Hello everyone, good afternoon, right? It's good afternoon when I'm recording this lecture, and we are doing the first class on the indefinite integration, right? It is also called anti-derivative or primitive. कई बार ये word primitive use होता है, तो ध्यान रखना जब कोई बोल रहे हैं primitive of a function, तो आप उसका integration ही करोगे, right? अगर आपसे किसी question में बोला जाता है find the primitive of log x, so you should understand that the primitive of log x is nothing but इंटीग्रेशन ऑफ log x dx. हाँ, ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे अभी इसकी बात हम करेंगे. तो एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली उल्टा. ठीक है, अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, एनी फंक्शन, वर्ल्ड्स एनी फंक्शन, राइट, और लेट्स से इसकी डिफरेंशिएशन मेरे पास f डैश x आती है, तो हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये बताता है कि आप अगर इस f डैश x को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास fx आना चाहिए. साथ में एक c भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, ये सारी बातें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आज पहली क्लास है, सो विल बी फोकसिंग ऑन द बेसिक्स, राइट, एंड देन विल ग्रेजुअली डू सम क्वेश्चंस एज वेल. Revising differentiation and its relation with integration. So you understand कि क्या है, just reverse process है. जैसे एक example अगर मैं दूं, अगर आप कभी भी sin x को integrate करोगे तो क्या possible है. अब मैं सोचूंगा कि किसको differentiate करने पे मुझे sin x मिलता है. अच्छा, तो मुझे ध्यान आता है कि अगर मैं cos x को differentiate करता हूँ तो मुझे minus sin x आता है. तो अगर मैं minus cos x को अगर differentiate करूंगा तो मुझे minus का minus क्या मिलेगा, plus sin x मिलेगा. तो क्वाइट ऑब्वियस, साइन एक्स को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस कॉस एक्स प्लस सी मिलना चाहिए. बार बार आप सोच रहे होंगे सर ये सी की क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई आर वी राइटिंग दिस सी. तो चलिए इसकी बात भी करते हैं. बिफोर दैट लेट अस लुक इनटू रिवीजन ऑफ सम डिफरेंशिएशन एंड द बेसिक थिंग्स. ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे आप अगर देखें जो बेसिक डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, लेट डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, वही वाली बात जो मैंने तुम्हें भी एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिख के बताई. देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, एक ही बात है. सी इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है, दीज इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट बोलते हैं. इनडेफिनिट मतलब कि उसका एक्सप्रेशन कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वही होगा. ठीक है, यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है, आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां हमारे पास कुछ वैल्यू आती है उसकी एक सिग्निफिकेंस होती है, एरिया अंडर दैट कर्व. ठीक है, तो अभी इसकी बात हम करेंगे, बट अभी फिलहाल ये जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट है, मतलब ये बहुत श्योर नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली सी की वैल्यू कितनी होगी. इसको हम सी की वजह से इनडेफिनिट कहते हैं. ठीक है, सी इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऑल दीज इंटीग्रल्स डिफर बाय अ कॉन्स्टेंट. ये सारे के सारे जो इंटीग्रल्स हैं वो एक कॉन्स्टेंट से डिफर भी करते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है. अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ये जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है, बेसिक नोटेशन जो होती है किसी भी इंटीग्रेशन की, कि अगर मैं स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, राइट, तो इसको वी कॉल इट इंटीग्रैंड. इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द इंटीग्रैंड. ठीक है, एफ एक्स, और ये तुम्हारे पास सी कितना है, ये सी आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. ठीक है, जिसको हमने इंटीग्रेट किया वो क्या है, वो इंटीग्रैंड है. ऑलराइट, ये सब टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखना, बिकॉज कई बार आपको क्वेश्चंस जब वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में देते हैं तो वहाँ पे इस तरह के वर्ड यूज आते हैं, प्रिमिटिव, इंटीग्रैंड, है ना, तो ये सब चीज़ें यूज कर सकते हैं और यूज होती हैं. तो दैट इज वाई आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखनी चाहिए. ठीक है, ओके, ये कुछ अगेन डिफ्रेंसिएशन से कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको आती हैं, आइए उसको जरा रिवाइज करते हैं. द लिस्ट ऑफ इंटीग्रल फॉर्मूलाज. अच्छा, यानी कि अगर मैं कभी भी x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वन मिलता है. यानी अगर मैं वन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस सी. सी तो तुम्हें पता ही है क्या है. ठीक है, सी क्यों होता है, चलो इसको भी डिस्कस कर लो. सपोज करो अगर तुम्हारे पास x प्लस सेवन है एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस, सो व्हेन यू डिफरेंशिएट सेवन इज गॉन, यू गेट ओनली वन. द कॉन्स्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज व्हाट, दैट इज जीरो. तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें 1 प्लस 0 मिलता है. सो व्हेन यू इंटीग्रेट 1 नाउ और यू इंटीग्रेट 1 प्लस 0 विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स,
तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें सिर्फ एक्स मिलेगा, वो सेवन तो गायब हो गया, तो जो सेवन गायब हो गया उसी की जगह पे सी लिखते हैं, एज वी आर नॉट श्योर कि वो सी कितना है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, वो डेफिनेट में हम लोग श्योर हो जाएंगे, इंडेफिनेट में वी आर नॉट श्योर, इट कैन बी एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है, दैट इज द रीजन वी राइट दिस सी एंड वी कॉल इट वॉट, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी वन, इट कैन बी टू, इट कैन बी एनी कॉन्स्टेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स, अच्छा भाई अगर मैं ए एक्स को डिफरेंशिएट करूं, राइट, इफ आई टेक द डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ठीक है, इफ आई कंसिडर द डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो आपको पता है ए बींग अ कॉन्स्टेंट आउटसाइड पे रखेंगे तो ये आएगा कितना, सिंपल ही आएगा, यानी अगर मैं ए को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस सी, ठीक है, सिमिलरली वेन यू डिफरेंशिएट एक्स रेस टू द पावर एन, when you differentiate x raised to the power n, what is that? n times x raised to the power n minus 1, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास integration कितनी हो जाएगी? Integration हमारे पास हो जाएगी x raised to the power n plus 1 upon n plus 1. सोच के देखो, अगर तुमने इसको differentiate करा होता, इस value को, right? आपके पास क्या value आती? You would be getting n plus 1, यहाँ तुम्हारे पास exponent आएगा, n plus 1, into x raised to the power n plus 1 minus 1, और denominator कितना है, n plus 1, so n plus 1 is gone, plus 1 minus 1 is gone, and you are left with what, x raised to the power n, so I hope you understand this, ये कुछ basics हैं जो कि आपको पता होना, ये सब के सब कहां से derive हो रहे हैं, differentiations जो पीछे हम लोग पढ़ के आए, तो ये ध्यान रखना है, right, integration of sin x is minus cos x, integration of cos x is plus sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x is tan x, मैं पता है tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, sec square x होता था, जब मैं sec square x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, tan x मिलेगा, सिमिलरली cos x square x का क्या हो जाएगा, माइनस cot x होगा, sec x into tan x का क्या होगा, sec x होगा, और cos x into cot x का क्या होगा, माइनस cos x होगा, ये सारी चीजें कहां से निकल के आ रही है, ये सारी चीजें हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से निकल के आ रही है, राइट, ये सारे के सारे इंटीग्रल जो फॉर्मुलेज हैं कहां से निकल के आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन से निकल के आ रहे हैं, जो आपने पीछे सीख रखा है, e की पावर x इज द ओनली फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम होता है, ठीक है, ओके, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इज व्हाट, इट इज log ऑफ x, अगर तुम्हें याद आ रहा है दैट व्हेन यू डिफरेंशिएट एनी नेचुरल log मींस व्हाट, द बेस इज e, सो व्हाट इज दैट, दैट इज 1 बाय x, ठीक है, तो 1 बाय x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ln x, तो ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है, दिस वन थर्ड फॉर्मूला, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इन्होंने हाईलाइट करके ये वाली बात बताई है, n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि n अगर माइनस वन हो गया तो कौन सा फॉर्म आ गया, वन बाई एक्स, तो अगर ये डी एक्स बाई एक्स है तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स, टू डू रिमेंबर दैट, ओके, एक्स की पावर एन में कभी भी एन माइनस वन नहीं होना चाहिए, दैट विल गिव यू अ डिफरेंट रिजल्ट, क्या आ जाएगा, माइनस वन हो गया तब तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक्स की पावर जीरो अपॉन जीरो, which is certainly not defined, okay, so do remember that, x की value कभी minus 1 नहीं होनी चाहिए, okay, a की power x क्या हो जाएगा, a की power x log of a, right, natural log है, I hope आपको ध्यान होगा, कि कभी भी अगर आप d by dx a की power x का करते हैं, तो आपको क्या मिलता था, a की power x into log of a, certainly the base used to be e, तो अगर integrate करोगे तो log of a नीचे आता है, ठीक है, in the denominator, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं उम्मीद करता हूं आप डिफरेंशिएशन के साथ इसको रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, ऑल दीज आर दे हैव देयर बेस वेयर इन डिफरेंशिएशन, ये सबको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करके ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी हैं, तो उसका सिर्फ रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, वो यहाँ पे इन फॉर्मुलेज में दिखाया गया है, क्वेश्चन में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें दिख जाती हैं, राइट, जैसे आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ रिविजन ऑफ वट यू हैव डन टिल नाउ, ठीक है, जैसे x की पावर 4 है तो इसको कैसे ध्यान रखोगे, इसको मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगा, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, और क्या नहीं भूलना है, c नहीं भूलना है, क्या लिखोगे फाइनल आंसर, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, दैट्स ऑल, वेरी इजी, ठीक है, अच्छा अब इसका क्या करें, व्हाट कैन वी डू विद दिस वन, ये तो थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है ना, ये थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने जरूर आपको पहले बताई भी होगी, कभी भी अगर आपके पास a log of x to the base a आता है, यानी जिसकी पार में है log का बेस वही है, then this is always equal to x, is always equal to what, x, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को जानते हैं,
दैट एन लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, आओ जरा देखते हैं। लेट अस क्विकली गो फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन समवेयर हियर इनसाइड द बॉक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू log of x to the base 3 with respect to dx। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 2 को क्या लिखूंगा, इसको मैं x square लिखना चाहता हूँ। Now, जो भी यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है, बेस और log का बेस सेम है, राइट, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, x square लिख सकता हूँ using this property of log। And once you do this, then the question is finished. What is this? x cube upon 3 plus c। So, log की ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है, एंड आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका क्या होगा, log of x to the base x कितना होता है, 1 होता है। सो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, dx आएगा, dx का क्या हो जाता है, x plus c, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट। सर बोलो बेटा, बताइए बताइए। सर log वाली प्रॉपर्टी एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, आप म्यूट कर लो, बता देता हूँ। लॉग वाली प्रॉपर्टी, मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि मैंने लॉग का एक वीडियो बना रखा है, आप प्लीज उसको देखें, है ना। अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो इट्स नॉट गुड, राइट, आपको उसको देखना चाहिए। अगर कभी भी कोई भी वैल्यू है, राइट, मैं अगर उसकी पार कभी लॉग ले रहा हूँ, तो लॉग का बेस अगर वही है जो बेस में है, राइट, एग्जाम्पल देता हूँ, आई थिंक इतना बताने के बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे एग्जाम्पल देना चाहिए। सो देखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। सपोज करो आपके पास यहाँ नीचे 2 है और आपके पास ऊपर आया log of 7 to the base 2। तो ये जो वैल्यू है और log का जो बेस है, राइट, अगर ये सेम है तो इसकी वैल्यू जो भी यहाँ log के अंदर है वो आ जाएगी, कितना होगा, ये 7 होगा, इट्स ओनली 7। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 log x, तो पहले इस 2 को हमें फ्री होना था यहाँ से, राइट। जैसे सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन हो ऐसा होता, राइट, यहाँ देखो, सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि आपके पास है 4 raised to the power log of 7x and the base of the log is again 4। तो नाउ दिस 7 इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे तुम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि n log x इज इक्वल टू log of x की पावर n। तो मैं इसको x की पावर 7 लिख दूंगा। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, ये एज इट इज बाहर आ जाएगी, मतलब ये कितना हो जाएगा, x की पावर 7, ठीक है। दैट इज व्हाट आई हैव यूज्ड हियर। यहाँ पे मैंने इस 2 को x स्क्वायर रखा था और फिर बेस, ये वाला बेस और लॉग का बेस सेम हो गया, तो स्ट्रेट अवे कितना आ गया आपके पास बाहर, x स्क्वायर, जो भी लॉग के इन साइड में वो बाहर आ जाएगा। x square with respect to dx, what is the integration? It is x cube upon 3. Okay? So please make sure that you people are following the basic rules of log. Right? I've given you in the form of a video. Please watch it. In case you don't find it in the playlist, you can ask me. I'll share it on your group. Okay? Okay. Tell me the answer of third and fourth part. I'm waiting. Batao mujhe. Third or fourth ka answer batao. Easy questions hai, pat se batao. Discussing question number 3 here. Question number 3. First thing is, मैं यहाँ पे बेस ई देख पा रहा हूँ, यहाँ log का भी बेस ई है, तो मैं इसको x की 6 times log x को मैं x की पावर 6 लिखना चाहूंगा, 5 को x की पावर 5 लिखना चाहूंगा, सिमिलरली x रेस पावर 4 एंड x क्यूब। दैट मीन्स द न्यूमरेटर वुड अल्टीमेटली बिकम वॉट, x रेस टू द पावर 6 minus x raised to the power 5, and the denominator seems to me like x raised to the power 4 minus x cube. We need to integrate this. So from the numerator, can I take x raised to power 5 common? I would do so. In the numerator, I'll take x cube common and I get x minus 1. Okay, x minus 1 is cancelled and you are left with a very simple expression, that is x square with respect to dx. What is the integration of this? This is x cube upon 3 plus c. Don't forget c. Okay? Don't forget c. Okay. Moving on to the fourth one. Moving on to the fourth one. So this is what? This is
वन अपॉन ए रेज टू दी पावर एक्स बी रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब इसके लिए तो बहुत इजी सी मुझे एक ही चीज ध्यान आती है कि अगर ए की पावर एक्स है डी एक्स है तो इसकी वैल्यू तो अपने को पता है क्या है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए, यही तो पता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, टेंशन किस बात की है, माइनस में दिख रहा है तो फिर नीचे नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, आओ देखो जरा इसको कैसे डील करेंगे। इसको मैं ऐसे डील करना चाहूंगा, ए बी रेज टू दी पावर माइनस एक्स, कैसे लिख सकते हैं, ए बी रेज पर माइनस एक्स, आई थिंक यस। एक बार जब आपने ऐसे लिख दिया तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ए बी रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए बी। साथ में क्योंकि माइनस एक्स है तो ये माइनस साइन भी आएगा और साथ में प्लस सी होगा। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा, सर ये माइनस साइन की क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों कर दिया आपने। तो देखो ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारे पास चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था, वैसे ही यहाँ पे भी आप इसको काइंड ऑफ इक्विवेलेंट कह सकते हो टू चेन रूल। अगर आपके पास कभी भी कोई भी फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स जिसकी इंटीग्रेशन लेट से आपके पास कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, ठीक है, इफ दिस इज द केस देन राइट देन द इंटीग्रेशन ऑफ द सेम फंक्शन कंपोजिट फंक्शन लेट से इट इज ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, सो दिस वुड बी कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। डू रिमेंबर दिस, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। जब मैं सब्सटीट्यूशन तुम्हें कराऊंगा तो ये वाली बात डिराइव करके भी बता दूंगा, ठीक है, ये वाली बात हम लोग डिराइव करके भी देख लेंगे। यहाँ नीचे ये a से डिवाइड हो रहा है जो भी x का कोफिशियंट है, ठीक है, x का कोफिशियंट यहाँ माइनस वन है तो मैं माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, सो एट द एंड यू कैन से द आंसर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, वन अपॉन माइनस साइन लगा लो, इधर कोई टेंशन नहीं है। सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी लॉग ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स एंड लॉग ऑफ ए, ठीक है, दैट्स व्हाट कैन बी ट्रीट एज द फाइनल आंसर। आई होप इट्स ओके एवरीवन, बात समझ में आती है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इज इट फाइन टिल दिस पॉइंट एवरीवन, सही है। तो फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमें कैसे डिस्कस करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिखता है नीचे और ऊपर मुझे दिखता है कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स को क्या मैं साइन में, मतलब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यूज करनी पड़ रही है, ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो अगर मैं बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे यूज करता हूँ तो कॉस टू एक्स का मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ विच इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos square x minus sin square x, और साथ में आपको क्या एक और दे रखा है, twice of sin square x। ये तो बहुत easy सी चीज बन गई ना, this is what, this is very easy। ये क्या है, ये sin square x नीचे दे रखा है। So if you look at the numerator, this is cos square x plus sin square x, which is 1, और नीचे क्या है तुम्हारे पास, sin square x, sin square x, अच्छा sin square x है, बहुत बढ़िया। साइन स्क्वायर एक्स, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दूं क्या, लिखना चाहिए। और अब मुझे ये याद करना चाहिए कि किसको डिफरेंशिएट करने पे कोसेक स्क्वायर एक्स आता था, ऐसा कुछ अगर मुझे याद आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मुझे याद आता है कि अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स किया करता था तो मुझे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स मिला करता था, राइट। तो यहां से मुझे ये आइडिया लगता है, अच्छा अगर ये माइनस था तो मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, minus cot x plus c, that has to be the answer for fifth first part, and I hope all of you get it, okay? Looking into the second part bhi bahut asaan hai aur aise hi aapko fatafat se kar dena chahiye tha, aaiye dekhte hain second part mein kya keh rahe hain, twice of cos square x and cos 2x, again cos 2x ko aap kya likhoge, cos square x minus sin square x,
है ना, तो cos square और cos square तो गया, बचा क्या cos square x plus sin square x which is 1, तो ये जो first expression है ये actually में क्या आएगा आपके पास 1 upon cos square x, और 1 by cos square x क्या होता है ये तो दुनिया जानती है, sec square x। किसको हम differentiate करते हैं, right, differentiate करते हैं तो हमें sec square x मिलता है, because अभी हमने integration तो सीखनी शुरू की है, today is the first class, right, तो हमें सोचने का प्रोसेस क्या रखना है, अच्छा भाई किस चीज को डिफरेंशिएट करने से, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से अपने को sec square x मिलता है, ये सोचना है, तो ध्यान आता है अच्छा tan x से मिलता है, यानी हमारा आंसर क्या होने जा रहा है, हमारा आंसर होने जा रहा है tan x plus c। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस एंड यू फाइंड इट इजी। ओके, कमिंग टू द थर्ड वन, द सिक्स्थ वन, राइट, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस, फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये क्या चीज है, अच्छा ये दिखता है E, ध्यान रखना पूरे के पूरे कैलकुलस में अगर लॉग का बेस ना दिखे तो उसको तुम हमेशा क्या एज्यूम करोगे, E एज्यूम करोगे, यानी यहाँ E नहीं दिख रहा है तुम इसको E ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अगर आपको बेस ही नहीं दिख रहा बाय डिफॉल्ट आप उसको E ही लेंगे। अच्छा तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो अपना क्या आ गया ऊपर रूट एक्स आ गया, ये तो अभी हमने लॉग की प्रॉपर्टी सीखी थी, और नीचे कितना है, नीचे हमारे पास रूट एक्स, फिर से एक्स है, तो x को मैं क्या रूट एक्स का होल स्क्वायर बोल दूंगा, आपके समझने के लिए बोल देता हूँ, यानी आपके पास जो वैल्यू बच रही है दिस इज dx अपॉन रूट ऑफ x, और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे x की पावर माइनस वन बाई टू विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ डू वी नो हाउ टू डील विद दिस इंटीग्रेशन, सर्टेनली यस, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, कितना आ जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, प्लस सी, सो एन कितना आपके पास माइनस वन है, कितना आ जाएगा ये एक्स की पावर हाफ विच इज रूट एक्स अपॉन हाफ, हाफ को मैं क्या ऊपर टू एक्स बना के लिख सकता हूं क्या, यस, सो दिस शुड बी ट्रीटेड एज द फाइनल आंसर फॉर द सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, चेक कर लो, मेरे ख्याल से आप सबने जो भी जवाब दिया है वो ठीक ही लग रहा है, बिल्कुल सही है। अनुष्का तुम्हारा थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, x की पावर 1 बाय 2, नहीं सही है, सही है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, बिल्कुल सही है, सर वो टू द पावर 1 बाय 2 है, लैपटॉप में वो रूट नहीं आ रहा था ना। हां अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो ऑल दीस क्वेश्चंस आर एक्चुअली जस्ट द वार्म अप। ओके, तो देखो जैसे सपोज करो मैं ये सेकंड क्वेश्चन रैंडमली पिक कर लेता हूं, या फिर ये 8th क्वेश्चन पिक कर लेता हूं, या फिर आप ये 13th क्वेश्चन पिक कर लीजिए, ठीक है, तो आइए देखते हैं कि करके कैसे इनको डील करना है। तो बहुत रिलैक्स होके करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये हमेशा की तरह बहुत आसान है। 2 रेज टू द पावर x प्लस 5 अपॉन x, ये 5 अपॉन x को मैं 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 लिखना चाहता हूँ, आपको कोई परेशानी है तो बता देना, ठीक है, और माइनस 1 एक्स की पावर 1 बाई 3 डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको x की पावर माइनस 1 बाई 3 न्यूमरेटर में इस तरीके से लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, कभी भी बीच में अगर प्लस माइनस होता है तो इंटीग्रेशन एज इट इज अप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन एज इट इज अप्लाई होता है, तो यहाँ पे 2 की पावर x इज व्हाट, a की पावर x क्या होता है अभी, a की पावर x अपॉन log ऑफ a, दैट इज log ऑफ 2, ठीक है, और ये आपको ध्यान आना चाहिए कि ये अच्छा 5 की पावर इनकी वैल्यू माइनस 1 है, तो ये कितना आता है log आता था क्या, yes, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स log of x, हमने देखा था कि n should not be equal to minus 1, ठीक है, ओके, और ये कितना होता है x की पावर माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा x की पावर 2 बाई 3 अपॉन 2 बाई 3, तो 2 इधर और 3 इधर, साथ में प्लस c करना मत भूलना, ठीक है, दैट शुड बी द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली अगर आप ये 8th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये x square का कितना हो जाएगा, सीधा कर दो आंसर, सीधा लिख देता हूँ, टाइम थोड़ा सा जल्दी फिनिश हो रहा है तो इसको सीधा लिख देता हूँ, ये क्या देगा तुम्हें, सिर्फ x देगा, बिकॉज बेस हमेशा ही कंसीडर करते हैं, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x square by 2, ठीक है, I'm writing the answer straight away, e की पावर x upon 2 की पावर x, अरे वाह ये तो बहुत बेहतरीन है, ये e नहीं है, अगर e की पावर x होता तो e की पावर x होता, e by 2 है, तो कौन सा फॉर्म है, a raised to the power x, what is that, a raised to the power x, that is e by 2 की power x, upon log of 2, upon log of a, that is a is what, a is e by 2, ठीक है,
प्लस सी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो एंड दैट शुड बी ट्रीटेड एज द फाइनल आंसर। एक्स स्क्वायर बाई टू अभी लॉग आउट हो जाएगा तो फिर